उपवास के दिनों में साबूदाना ही सबसे ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को साबूदाना बहुत ही पसंद आता है। तो आज हम साबूदाना तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये फटाफट से तैयार हो जाता है। इसमें हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं, सिर्फ नॉर्मल तरीके, एकदम सिंपल तरीके से इसे तैयार किया है। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद घर का में। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साबूदाना बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा कम ही तेल ऐड करना है, नहीं तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा हमारा साबूदाना। तो अब इसे हम गर्म होने देते हैं। तेल के गर्म होने पर इसमें हम छोटी कटोरी की आधा कटोरी हम सिंगदाना इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम धीमी आँच में चलाते हुए लाल रंग में हल्का सा भूनने तक के, यानी कि थोड़ा सा लाल होने तक के इसे भून लेंगे। यहाँ देखिए ये लाल हो गया है, हल्का सा ही लाल किया है, ज़्यादा लाल नहीं किया है। अब इसमें हम एक आलू को छील कर उसे इस तरह छोटे पीस में काट कर इसमें ऐड कर लेंगे। आलू को भी हम चला लेते हैं और इसे भी हम हल्का सा लाल होने तक के भूंज लेंगे। तो यहाँ हम इसे हल्का सा लाल होने तक के भूंज लेते हैं। ये देखिए हल्का सा लालपना आ गया है, यानी कि ये भूंज गया है। अब इसमें हम हरी मिर्ची 3 से 4 काट के ऐड कर लेंगे। हरी मिर्ची को भी चलाते हुए हम भूंज लेते हैं। यहाँ हमारी हरी मिर्ची भूंज गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, जितना मसाला है उतना ही इसमें नमक हम ऐड कर लेंगे और इसे हम चला लेंगे। यहाँ पे हमने मसाले में जितना लग रहा था उतना ही नमक ऐड किया था। अब साबूदाना में भी साबूदाने के पुरते हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, साबूदाने में अच्छी तरीके से नमक लग जाएगा। अब साबूदाने को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये जो तरीके से हम साबूदाना तैयार कर रहे हैं, इससे हमारी जो साबूदाना है बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा और थोड़ी सी चिपकी बनेगी। ये देखिए कढ़ाई में जो चपक रही है ना, वो भी नहीं होगा और कढ़ाई में एकदम चपकेगा नहीं। इसे हम ढक के बहुत ही अच्छी तरीके से पकाएंगे, जिससे कि हमारे साबूदाना जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसे ढक देते हैं और इसे पका लेते हैं, लेकिन बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। यहाँ देखिए मैंने थोड़ी देर बाद ही इसे खोलकर चला रही हूँ। देखिए हमारा जो थोड़ा सा कढ़ाई में चिपका हुआ था ना, वो अच्छे से निकल गया है। तो इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे खोल खोल के हिलाते जाएंगे और ढक ढक के पकाते जाएंगे। तो अब इसे हम फिर से ढक देते हैं और अच्छे से पकने तक के इसे पका लेते हैं। ये देखिए हमारा जो साबूदाना है बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है और ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ये देखिए थोड़ा सा स्टिकी है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप इस नवरात्रि के उपवास में इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए।